हाय, मैं मिस्टर रवि। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि स्नैपशॉट से कैसे हम वॉल्यूम दोबारा से बनाते हैं और अटैच करते हैं। तो स्टार्ट करें। ये देखिए फटाफट। मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वर बना हुआ है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कि आपको तो इंस्टेंस कैसे बनाते हैं मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। और यहाँ से क्या होता है कि ये रीनेम होता है, रीनेम कर देते हैं। चलो ठीक है, क्या नाम दे दूँ मैं इसे? एक्चुअली मैं ऐसी चीज़ HTTP, ओके HTTP दे दें। एक्चुअली मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि मैं इस पर कुछ कन्फिगर करूँगा जो कि हार्ड डिस्क से पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने वही हार्ड डिस्क अटैच की है कि दूसरी करी है। तो इसलिए मैं इसको, चलो टॉमकेट दे देता हूँ, टॉमकेट इंस्टॉल कर दूँगा। टॉमकेट को हम चला के देख लेंगे। HTTP अपाचे भी कर सकते थे। तो ये देखिए, ये IP यहाँ पे देखती है डिटेल्स में। मैं क्या करता हूँ, SSH -i, और ये जो की थी मेरी वो मैंने सेलेक्ट कर ली। और ये देखिए, ठीक है ना, EC2 जो उसका यूज़र नेम और जो IP थी वो डाला। sudo -i करके हम रूट में आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अटैम्प्ट तभी कर पाते हैं जब हम एज ए एडमिन मतलब रूट होते हैं। तो फिर ये लीजिए, न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ न्यू टैब ओपन करके अपाचे टॉमकेट एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे वार डिप्लॉय वगैरह की जाती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये भी बहुत काम की चीज़ है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा टॉमकेट से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो चलो देखते हैं कैसे डाउनलोड किया जाता है। नॉर्मली मैं इसका आसान तरीका बता देता हूँ, जो आपको प्लग एंड प्ले टाइप का होता है। मतलब कि मैं इसकी बाइनरी फाइल जो होती है tarent.gz डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके मतलब ये तो देख रहा था मैं कि ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, मगर हमें तो सर्वर पे डाउनलोड करना, तो मैं इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं, मगर आखिरी तक बने रहना। डब्लू गेट लगा के मैंने लिंक डाला, तो उसने डाउनलोड कर दिया टॉमकेट उसी लोकेशन पर जहाँ पर मैं था, ठीक है ना। तो tar -xvf ये कमांड तो आपको एक्सट्रैक्ट करनी आती होगी, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात ना। तो कर लेते हैं, ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट होके ये फोल्डर आ गया। ये पहले tar था, और आगे जो ब्लू कलर में है वो एक्चुअली फोल्डर है। तो मैं उसके अंदर आके बिन में चला गया। बिन में एक्चुअली क्या होता है, हमारी स्टार्टअप फाइल होती है, तो वो मैं स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, ये देखिए स्टार्ट हो गया, राइट। इस तरह से ये हमारा उसी IP पे स्टार्ट होके आ गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बड़ा बड़ा के दिखा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि कितना लंबा मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये टॉमकेट नाम का मेरा था सर्वर इंस्टेंस, दो इंस्टेंस है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए मैंने नाम दे दिया। तो स्टोरेज में जाके ये जो वॉल्यूम आपको दिखता है ना, तो मैं इस IDP पे अगर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे वॉल्यूम पे ले जाएगा। वॉल्यूम पे ले गए, वॉल्यूम का देखो नाम है ओल्ड सर्वर वॉल्यूम, ठीक है। ये मैं अगर क्रॉस कर देता हूँ तो मुझे ये क्या दिखेगा यहाँ पे, कि और भी हार्ड डिस्क दिख रही है, ठीक है, दो दो वॉल्यूम। तो मैं उसी हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करता हूँ जिससे मुझे बैकअप लेना है, स्नैपशॉट क्रिएट करना है। मतलब एक तरह से बैकअप होता है, जैसे इनकेस हमारा सर्वर उड़ गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हम स्नैपशॉट लेके रखते हैं। तो अमेजन पे इसका बिल थोड़ा सा कम आता है, स्नैपशॉट का काफ़ी कम आता है। तो 8 GB की है, ये दिख भी रही होगी आपको। तो इसका स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा रहा है ग्रीन से लाइन में, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, वॉल्यूम के नीचे ये स्नैपशॉट होता है। तो ये देखिए पेंडिंग है, अभी ये बन रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, और फटाक से आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ। तब तक इसका नाम भी दे देता हूँ, स्नैपशॉट का नाम भी याद रहेगा। चलो टॉमकेट नाम रख देता हूँ, कि टॉमकेट सर्वर का हमने ये था ओल्ड सर्वर नाम दे दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी नॉलेज के लिए रख रहे हैं कि जिससे कि आप पहचान सके कि स्नैपशॉट किस नाम से आपने क्रिएट किया। तो ये देखो कंप्लीटेड लिखा गया है ना स्नैपशॉट स्टेटस में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं वॉल्यूम में जाता हूँ, तो ये ओल्ड सर्वर वॉल्यूम इसलिए रखा था कि पुराना वाला था। तो मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट ठीक कर दूँगा। तो डिलीट करने से पहले तो इंस्टेंस तो आपको बंद करना पड़ेगा, बिना इंस्टेंस बंद करे तो नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप डायरेक्ट वॉल्यूम डिलीट कर सकते हैं, तो नहीं, आपको इंस्टेंस तो स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको डिलीट कर पाएंगे। तो ठीक है, ये टॉमकेट है इसके सामने। चलो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। स्टेटस चेक पे देखो बंद आ गया, स्टॉप करके थोड़ा टाइम लेता है, आप हेजिटेट ना हुए होना है बिल्कुल भी कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैंने थोड़ा सा स्किप किया है तो फटाफट हो गया वो। अब ये देखिए डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, मान लो
यहाँ पे डिटेच मोड का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट वॉल्यूम, हमें तो डिलीट वॉल्यूम करना है इन केस हमारे हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या सर्वर क्रैश हो गया। हमने तो बैकअप ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे उस केस में कि देखिए ओल्ड सर्वर नाम से यहाँ पर रीलोड कर लेते हैं। ओल्ड सर्वर वॉल्यूम रह गया है, ठीक है, दोबारा से जाते हैं डिलीट वॉल्यूम करके देखते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ था, प्रॉपर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा वैसा इशू नहीं आता। ठीक है, ये देखो न्यू सर्वर रह गया, ठीक ठीक है ठीक है, तो न्यू सर्वर वॉल्यूम रह गया है बस हमारे पास। तो टॉमकैट देखो यहाँ पर है, स्टोरेज जो आपको दिख रहा होगा, इसमें नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज दिखता है, सॉरी रीलोड कर लेता हूँ, पुराना ही विंडो दिखा रहा है। तो मैं जाता हूँ, टॉमकैट को सेलेक्ट करता हूँ जो मेरा सर्वर था, जिसकी हार्ड डिस्क स्टोरेज वॉल्यूम जिसे बोलते हैं वो गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम आईडी में कोई भी वॉल्यूम आईडी नहीं। वॉल्यूम आईडी का मतलब होता है नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से हार्ड डिस्क, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। और ये देखिए नाम जो है ना, ये हमेशा कॉपी करके रखिएगा, जब भी आप किसी में हार्ड डिस्क अटैच करते हैं नए सर्वर में तो रूट वॉल्यूम ही ऐड करना होगा, वरना वो दूसरा एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल हार्ड डिस्क ले लेता है वो, और रूट जो मेन ओएस वॉल्यूम होता है वो नहीं लेता जिससे वो बूट करता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी स्टार्ट करने में, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो स्नैपशॉट पे जाते हैं जो हमने बैकअप लिया था, वहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है ना, कॉपी मॉडिफाई है ना, आप एक और कॉपी बना सकते हो स्नैपशॉट की, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो इमेज भी बना सकते हो, देखो क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, और हमें क्या चाहिए, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, मतलब हमने जो स्नैपशॉट दिया था बैकअप के तौर पे, उससे हम वापस दोबारा से हम उससे वॉल्यूम बनाएंगे, और उसे वॉल्यूम को बना के हम उसी जोन में क्रिएट करना है जिस जोन में था वो, ठीक है। और वॉल्यूम तो बन गया, ठीक है, जोन याद रखना, उसी जोन में बनाना है। हार्ड डिस्क का साइज़ भी देख लिया, और ये अवेलेबल भी है, मतलब हार्ड डिस्क तो ओके है भाई, ओल्ड सर्वर के नाम से, सॉरी ये स्नैपशॉट था, तो वॉल्यूम में जाके देख लेते हैं। ये देखिए 8 GB के नाम से आ गया ये, ठीक है, अवेलेबल है मगर कनेक्टेड नहीं है। मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, चाहे तो आप ना दीजिएगा, मगर देना है थोड़ा बेटर रहता है समझने के लिए कि मिस्टेक ना हो, बहुत सारे सर्वर होते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम होती है, तो वहाँ गलती ना हो हमसे, इसलिए हमें इनके नाम देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गलती ना हो जाए हमसे, इसलिए ठीक है। तो ये लो ये लो ये लो, फिर तो ये सब कुछ ओके हो गया, अवेलेबल हो गया, मगर यूज़ नहीं है, इन यूज़ इसलिए नहीं लिखा रहा है क्योंकि ये सर्वर में किसी में अटैच नहीं है अभी तक, अगर ये किसी सर्वर में अटैच होगा तो इन यूज़ लिखा आता है। तो ये एक्शन पे जाता हूँ मैं, उसी वॉल्यूम को सेलेक्ट करके, यहाँ पे देखो अटैच वॉल्यूम, अटैच मतलब इस वॉल्यूम को अब मैं किसी में अटैच कर देता हूँ किसी इंस्टेंस में। तो हमारे पास क्या था, पुराना था टॉमकेट नाम का सर्वर है ना, स्टॉप भी है तो पहचानने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पे दिया जाता है, बाई डिफॉल्ट वो XDF ले रहा था, मतलब एडिशनल हार्ड डिस्क ले रहा था, XVDA कर लिया मैंने, तो XVDA मतलब जो उसका रूट वॉल्यूम था वही मैंने उसको नाम दिया है, ठीक है। स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ रीलोड कर लेते हैं एक बार दोबारा से, तो और फिर से अपना सर्वर सेलेक्ट करते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, अभी तो स्टॉप डी है, स्टोरेज पे जाते हैं, सॉरी स्टॉप पे जाके यहाँ पे देखेंगे। हाँ ये देखिए आ गया ना, फटाक से अब इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम आ गया, स्टार्ट करा तो सक्सेसफुली स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, मैं थोड़ा फटाफट आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो दिखा देता हूँ, है ना। और दूसरी चीज़, आपको इसके बारे में और भी नॉलेज लेनी है, मेरी पहली वीडियो तो आप और देख ही सकते हैं, और मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ कि लॉस्ट की पे आप कैसे करेंगे, कि आपकी की ही चली गई तो आप सर्वर एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये देखिए आईपी बदल जाती है रिस्टार्ट पे, क्योंकि मैंने इलास्टिक आईपी नहीं लिया, तो इस पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो चलिए ये लीजिए, हम दोबारा से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करके रिमोट लेते हैं, आईपी चेंज करनी पड़ेगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही था, की भी सेम ही थी, आईपी चेंज हो गई, देखो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब सूडो हाइफन आई करते हैं, रूट में आ गए, होम में चलते हैं, EC2, यहाँ पे मैंने टॉमकेट रखा था अपना, उसके बिन में जाते हैं, कौन सी फाइल थी स्टार्ट के लिए, स्टार्टअप होती है मगर फर्स्ट टाइम कैटलिना होती है, चलो हम स्टार्टअप डॉट एस एस से करते हैं क्योंकि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसे रीलोड करेंगे,
रीलोड करने पे नहीं आ रहा। तो समझ गए आप ये रीलोड करने पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। सिंपल सा रीज़न है कि पहले क्या था कि आईपी कुछ और थी, मगर चलो मैं नॉलेज के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कई बार सर्विस ही बंद होती है। तो ये कमांड थी, इससे आप अपने पोर्ट को देख सकते हैं, सर्विस को चेक कर सकते हैं कि वो रनिंग में है भी कि नहीं है। चलो हमने ये क्रॉस चेक तो कर लिया। अब क्या था, ये था मैंने बताया आईपी, जो मैंने पहले ही बताया था कि आईपी तो चेंज हो जाती है ना जब भी रिस्टार्ट करते, क्योंकि इलास्टिक आईपी तो ली नहीं है मैंने, जो सेम रहेगी। ठीक है, ये देखिए रीलोड किया तो वापस लोड हो गया। ठीक है, तो अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं और भी बेटर वीडियो बनाने वाला हूँ कंटिन्यूसली, अगर आप ऐसी तरह से सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मैं और अच्छी तरह से बनाऊँगा। तो टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।